ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. लेट्स प्रोसीड विद द चैप्टर दैट इज शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट. ठीक है, तो हमने ये वाली सिचुएशन पढ़ ली थी कि जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होता है एग्रीगेट सप्लाई से तब क्या होता है, और जब एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा होता है एग्रीगेट डिमांड से तब क्या होता है. इक्विलिब्रियम की दो सिचुएशन मैंने बताई थी, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई. दो अप्रोचेज है जिसके थ्रू आप इक्विलिब्रियम डिसाइड कर सकते हैं, या फिर S इज इक्वल्स टू I. ये कैसे निकलता है ये भी मैंने आपको बता दिया था. ठीक है, अब आते सिचुएशन में, क्या होगा अगर S ज्यादा हुआ इन्वेस्टमेंट से. S ज्यादा हुआ इन्वेस्टमेंट से, ठीक है. देखो S का मतलब क्या है, सेविंग, और I का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, पैसा लगाना, मार्केट में दोबारा से पैसा लगाना. ठीक है, तो अगर सेविंग में, इकोनॉमी में सेविंग ज्यादा हो रही है, पैसा कम लग रहा है, तो सेविंग ज्यादा हो रही है इसका मतलब क्या है कि जो एक्सपेंडिचर है वो क्या हो, वो कम हो रहा है. एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है. ठीक है, लोग खर्चा कम कर रहे हैं. ठीक है, लोग खर्चा कम कर रहे हैं, तो जो प्लान्ड स्टॉक था ना, किसका, प्रोड्यूसर का, जो प्लान्ड स्टॉक था ना प्रोड्यूसर का, वो क्या हो रहा है, वो अनडिजायर्ड बनता जा रहा है. अनडिजायर्ड मतलब अब प्रोड्यूसर ने तो अपने अकॉर्डिंग, वही वाली बात आ गई, दोबारा से ये वाली सिचुएशन आ गई कि सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है. डिमांड सप्लाई ज्यादा क्यों है, क्योंकि सेविंग ज्यादा हो रही है इकोनॉमी में. सेविंग ज्यादा हो रही है मतलब एक्सपेंस कम हो रहा है. एक्सपेंस कम हो रहा है तो प्रोड्यूसर ने जिस हिसाब से डिसाइड किया था, अपना स्टॉक प्लान किया था, उस हिसाब से डिमांड हो ही नहीं रही, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, सेव ज्यादा कर रहे हैं. ठीक है, लोग सेव ज्यादा कर रहे हैं, तो लोग सेव ज्यादा कर रहे हैं तो अनडिजायर्ड स्टॉक आएगा. अनडिजायर्ड स्टॉक को क्लियर करने के लिए प्रोड्यूसर क्या करेगा, अपने स्टॉक की प्रोडक्शन को या अपनी प्रोडक्शन को कम करेगा. अपनी प्रोडक्शन को कम करेगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वही वाली सिचुएशन आ जाएगी कि वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच जाएंगे. ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कैसे पहुंचेंगे, देखो अब अगर प्रोड्यूसर ने, ध्यान से सुनना, प्रोड्यूसर ने स्टॉक को कम कर दिया. स्टॉक को कम करने का मतलब समझ रहे हो, प्रोडक्शन को कम किया. ठीक है, अब एक चीज याद रखना, प्रोडक्शन कम होने का मतलब क्या है, जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन याद है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये वाले. अब मान लो पहले वो प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे थे तो उनको 5 लेबर की जरूरत थी, अब प्रोडक्शन कम करने का मतलब 4 लेबर की जरूरत है. इसका मतलब प्रोडक्शन कम हो रही है इकोनॉमी में, प्रोडक्शन डिक्लाइन हो रही है, दैट मीन्स कि इकोनॉमी में इनकम जनरेट भी कम होगी. इनकम जनरेट कम होगी तो सेविंग ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी. सेविंग ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो जाएगी, ठीक है, और सेविंग डिक्लाइन होगी तो ऑटोमेटिकली ये S इज इक्वल टू I पे रिस्टोर हो जाएगा. समझ आ रही है बात, ठीक है. अब दूसरी सिचुएशन, S कम है किससे, इन्वेस्टमेंट से. S कम है किससे, इन्वेस्टमेंट से, ठीक है. दैट मीन्स कि ऐसी सिचुएशन, ठीक है, जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, मतलब मार्केट में जो है वो लोग ज्यादा ज्यादा पैसा लगा रहे हैं. ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाने का मतलब समझ रहे हो कि लोगों के पास इनकम ज्यादा जा रही है. अब देखो, मैंने कोई चीज कहीं पर पैसा लगाया, ठीक है, मैंने कहीं पर पैसा लगाया, तो जहां पर भी पैसा लगाया होगा उसको इनकम मिली होगी, फिर वो जाकर आगे कहीं पैसा इन्वेस्ट करेगा. ये देखो मार्केट में मनी फ्लो हो रहा है, मैं पैसा अपने पास रखे रहूंगी तो मार्केट में पैसा जाएगा ही नहीं. इन्वेस्ट का मतलब क्या होता है, मार्केट में पैसा लगाना. तो मार्केट में अगर पैसा ज्यादा लग रहा है, सेविंग कम हो रही है, तो ये सिचुएशन हो सकती है ना, हो सकती है ना सिचुएशन, ठीक है. तो इसका मतलब क्या है कि ये सिचुएशन, एक डिमांड ज्यादा है और सप्लाई उस हिसाब से फुलफिल नहीं हो पा रही. डिमांड ज्यादा क्यों हुई, क्योंकि लोग पैसा ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा ज्यादा लगा रहे हैं इकोनॉमी में. पैसा ज्यादा लगा रहे हैं तो एक तो वो पैसा ज्यादा लगा रहे हैं तो वो खुद भी डिमांड इंक्रीज कर रहे हैं, दूसरी चीज वो जहां पर पैसा लगा रहे हैं उसके थ्रू लोगों की इनकम भी बढ़ती जा रही है. ठीक है, ध्यान से सोचना इस बात को, मैंने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया तो वो इन्वेस्टमेंट मतलब किसी की तो इनकम हुई है ना, तो किसी की इनकम मतलब वो जाके डिमांड को बढ़ाएगा. ऐसे ही ये पूरा इकोनॉमी फ्लो करता है, ठीक है, ऐसी ही पूरी इकोनॉमी फ्लो करती है. तो जब अब इसमें क्या होगा, अब वही वाली बात आ गई कि जो प्लान्ड स्टॉक था ना वो क्या हो गया, कम पड़ गया. क्या हुआ, कम पड़ गया.
और वो सेटिस्फाई नहीं कर पाया या फिर फुलफिल नहीं कर पाया इकोनॉमी की डिमांड को, तो अब क्या करना पड़ेगा, अब प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा, प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन जैसे ही इंक्रीज होगा, आउटपुट इंक्रीज होगा, तो ऑब्वियस सी बात है लोगों के पास इनकम ज्यादा आएगी, इनकम ज्यादा मतलब वो सेव करना प्रेफर करेंगे, सेविंग होगी और ऑटोमेटिकली वाली सिचुएशन रिस्टोर हो जाएगी, या आप कह लीजिए कि वो प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो डिमांड अपने आप फुलफिल हो जाएगी। समझ आ रही है बात? ठीक है, अच्छा अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या नाम है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब देखो अभी तक मैंने क्या बोला कि हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी? कांस्टेंट। ये एक बार लगाया इसका मतलब कांस्टेंट होता है, ठीक है, कांस्टेंट रहेगी। तो अगर मैं एक छोटा सा ग्राफ बना के दिखाऊं, तो मैंने ऐसे ही कुछ ग्राफ बताया था आपको, y इज इक्वल्स टू ए एस, ठीक है, उसके बाद आपका ये गया एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू, एग्रीगेट डिमांड कैसे निकलता है, सी प्लस आई, आई कॉन्स्टेंट था, क्लियर। अब मैं बोल रही हूं कि देयर इज चेंज इन आई, मतलब इन्वेस्टमेंट भी।